हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा बॉल्स की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो पिज़्ज़ा बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे वेजेस। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, हाफ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और हाफ बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। अभी जो है इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। तो अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे आप। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरेगैनो और मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्यूब की एक स्लाइस जो है उसे ग्रेट कर ली है, तो वो ऐड कर लेंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे चार ब्रेड के स्लाइसेस और इनके साइड्स जो है हम कट कर लेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे सारे साइड्स मैंने कट कर लिए हैं। अब ले लेंगे हम ब्रेड के स्लाइसेस और एक प्लेट में हम ले लेंगे पानी। अब जो ब्रेड का स्लाइस है उसे हम पानी में डिप कर लेंगे और अच्छे तरह से हाथों से प्रेस करके जो पानी होगा ब्रेड का वो उसे हम निकाल लेंगे। अब जो स्टफिंग हमने बना के रखी है वो हम ब्रेड के बीचों बीच रख देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके इसको जो है एक बॉल का शेप दे देंगे हम। तो इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से बना लीजिएगा। तो ये इस तरह से बना लेना है। तो ऐसे ही मैंने जो है सारे बॉल्स बना लिए हैं। तेल जो है मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे जो बॉल्स हमने बना के रखे हैं ब्रेड के वो। तो जब भी आप ब्रेड बॉल्स जो है तेल में ऐड करेंगे कि मेक श्योर कि तेल जो है प्रॉपर गर्म होना चाहिए ताकि जो बॉल्स आप ऐड करेंगे उसे प्रॉपर शेप मिले। गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बीच बीच में। बॉल्स को जो है हमें थोड़ा सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है। तो यहाँ पे हमारे बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो दोस्तों, थी ना ये पिज़्ज़ा बॉल की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये बहुत ही चीज़ी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।